भारतीय किसान संघ तहसील गुलाबगंज द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसान संघ पदाधिकारियों ने ज्ञापन में फसल बीमा राशि कम आने, अतिवृष्टि से नुकसान, समर्थन मूल्य पर खरीदी, बलराम तालाब योजना चालू करने, किसानों को 14 घंटे 3 फेज बिजली उपलब्ध कराने समेत पीएम से 17 सूत्री और सीएम के सामने 32 मांगे रखी। इस दौरान उपस्थित संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य पूरन सिंह यादव, राजकुमार बघेल, तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी और गुलाबगंज क्षेत्र के अधिक संख्या में किसान भी उपस्थित रहे। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मुख्य मांगे जो है वो अभी वर्तमान में जो फसल की क्षति हुई है उसका सर्वे कराकर मुआवजा वो बीमा राशि दी जाए, और प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया उसमें मुख्य मांग है कि लागत के आधार पर जो लाभकारी मूल्य किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको लागत के आधार पर हमें मूल्य दिया जाए। आवारा बसुओं से बहुत ज़्यादा परेशान है, इस संबंध में हम ज्ञापन देने आए हैं। सरकारी घड़ा में लगभग 500 आवारा पशु घूम रहे हैं जो हमारी फसलों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा सभी किसान परेशान हैं, और उसी संबंध में यहाँ माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए थे। इस कारण से हाईवे पर जो पशु बैठे रहते हैं उनसे दुर्घटना भी हो रही है, बहुत सी समस्या उत्पन्न हो रही है। केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया है, और एक ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री के नाम दिया है जो प्रदेश से संबंधित समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम दिया है। और विदिशा जिले की 11 तहसीलों में हर तहसील की समस्या को लेकर के, हर गांव की समस्या को लेकर के कलेक्टर को भी एक एक ज्ञापन दिया गया है, और कलेक्टर से वो चूंकि उन्हीं के कार्यक्षेत्र के समस्याएं हैं तो उनके निवारण के लिए दिए गए। इस प्रकार से 3 ज्ञापन आज की तारीख में दिए गए हैं।